बहुत कम टाइम रहेगा, वेरी शॉर्ट टाइम इज रिमेनिंग, टुमारो इज वी गोइंग टू रिलीज इट जी, काइंड ऑफ नर्वसनेस और प्रेशर मैं जब मूवी बनती है हम बड़ी कोशिश करते हैं जे हम जितनी मेहनत के साथ बना सकते हैं बनाते हैं, अभी जब रिलीज़ होती हूँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी रब के हवेली हूँ, जो कुछ होता है अभी देखते हैं क्या होता है, पर मैंने बड़ी मेहनत के साथ बनाई पिक्चर और बड़ी प्यार से और बड़ी हमदर्दी से, सो मुझको उम्मीद है जे लोगों को पसंद होगी और चलो आगे देखते हैं। वैसे और कंट्रीज़ में पसंद हुई हैं, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस, जर्मनी, सो उम्मीद है हिंदुस्तान में भी अच्छी लगेगी। क्रिटिक्स के रिव्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं, जैसे कि अभी भी जर्नलिस्ट लोग कह रहे थे कि फिल्म बहुत अच्छी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी मुझको बड़ी खुशी है, रात को रिव्यूज़ शुरू हुए थे, बता रहे थे मुझको, मुझको खास मालूम नहीं था, पर वो बोलते रहे टाइम्स ऑफ इंडिया का 4 स्टार्स है और भी 4 स्टार्स है, सो कोई बात अच्छी बात है, मगर मुझको एटलीस्ट और भी लोग होंगे जिसको नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है कि कोई को पसंद करते कोई नहीं पसंद करते, मतलब बेस्ट है जो आपको सब्जेक्ट इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, इतिहास में है, फिर ज़रूर आना पिक्चर को देखने के लिए, क्योंकि ये आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री के बारे तो आपको कुछ अलग बोलेगा film, so you must see for that. So, ma'am, your movie is getting clashed with Bareilly Ki Barfi, so do you think it will make an effect on the box office? I think there are so many movies, and audience ke liye achhi baat hai, because audience ko choice hai, and matlab ye bhi hai, Friday ko aap ye movie dekh lo, Saturday ko ek aur dekh lo, Sunday ko ek aur dekh lo, so it's okay, we can all share, it's not a problem. रोल मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय मित्र बड़े भाई स्वर्गीय ओमपुरी साहब जी, उनकी जो फाउंडेशन कैन फिल्म फेस्टिवल में अनाउंस की गई, बनाई गई, उसके सौजन्य से ये प्रीमियर हो रहा है। ओमपुरी के बेटे यहाँ पर खड़े हैं, तो ईशान, ईशान आप बताओ फाउंडेशन के बारे में, इनफैक्ट मुझे भी थोड़ा ज्ञान कम है। हमने मेरे पिताजी के नाम पे एक फाउंडेशन शुरू की है, अभी लगभग 3 महीना हो गया है, हमने इसकी लॉन्च जो है कांस में की थी हमने, और फाउंडेशन का मकसद ये है, आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरे पिताजी का परवरिश वो गांव से आए थे, उनके पास ना छत था, ना खाना था, ना कपड़े थे, तो उन्होंने अपने बस लगन और मेहनत से पहुँचे अपनी मंजिल तक, और वो नहीं चाहते कि जो भी लोग जो बैकग्राउंड जो है, जो माहौल उनके जैसे गांव से जो आ रहे हैं जिन्हें एक्टर बनना है, वो नहीं चाहते कि उन्हें वो तकलीफ़ हो, वो स्ट्रगल हो, तो इसके लिए हमने ये फाउंडेशन शुरू किया है, तो
उनके जो स्कूल है ड्रामा स्कूल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII उधर हमने स्कॉलरशिप और फेलोशिप शुरू की है एक्टरों के लिए टैलेंटेड एक्टरों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है जिनके पास जिनको बनना है एक्टर जिनके पास खूब सारा टैलेंट है लेकिन वो पहुंच नहीं सकते तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स और जो हमारी देश की जो फिल्में हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे फिल्म मेकर को मौका देंगे अपने फिल्मों बाहर गांव लेके जाने के लिए चाहे कांस हो चाहे बर्लिन हो अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में हो और मेरे पिता के जो फिल्म्स हैं उन्हें भी आगे लेके जाएंगे हम और एक और चीज़ हम करेंगे जो मेरे पिता चाहते थे वो एक किसान थे जब छोटे थे गांव में खेती बाड़ी करते थे तो वो चाहते थे कि वो किसान के लिए कुछ करें और वो उनका सपना था जो अधूरा रह गया और उसे भी पूरा करेंगे हम तो यही है मकसद फाउंडेशन का बहुत ही कम समय रह गया जी कल रिलीज है फिल्म वेल हर फिल्म को लेके ऑफकोर्स नर्वसनेस तो होती है मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है यू नो 70 इयर्स हो गए हमारे इंडिपेंडेंस को 70 इयर्स ऑल्सो हो गए पार्टीशन को तो आई थिंक हाई टाइम एक ऐसी फिल्म बने यू नो जो इस जर्नी को डॉक्यूमेंट करती है एंड मैं आई एम वेरी लकी देर आई गॉट अ चांस टू बी पार्ट ऑफ सच अ प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद गुरिंदर चड्ढा जो ऑफकोर्स इंडिया में भी और विदेश में भी इतनी मतलब यू नो फेमस इतनी अक्लेम डायरेक्टर हैं सो एंड ये जो कहानी है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रही है देर आर लॉट ऑफ पीपल यू नो आर लाइकिंग एंड टच विद थैंक गॉड ऑल द रिव्यूज आर ऑल्सो वेरी पॉजिटिव सो वी आर होपिंग दैट यू नो अ लॉट ऑफ पीपल विल वॉच दिस फिल्म एंड एंजॉय दिस फिल्म एनी कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम बॉलीवुड लॉट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स आई थिंक दे बी लाइक आई सेड रिव्यूज हैव बीन वेरी वेरी गुड वेरी वेरी हार्टनिंग वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्क्रीनिंग्स फॉर यंग वुमेन सॉरी भैया थोड़ी गड़बड़ चल रही है बट नो आई थिंक रिव्यूज तो बहुत ही अच्छे आए हैं एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर फाइंडिंग द फिल्म वेरी इमोशनल इस चीज़ को कितना मानती हैं आपके बॉलीवुड मूवी सक्सेस होने में और एक सेलिब्रिटी की सेलिब्रिटी का करियर सक्सेस होने में एक लाइट मैन एक कैमरा मैन एक वॉर्ड बॉय मतलब कितने मायने रखते हैं बहुत मायने रखते हैं आई थिंक एक्टर्स तो सिर्फ पर्दे पे नज़र आते हैं बड़े पर्दे पे बट एक्चुअल जो हीरोज़ होते हैं वो हमारे टेक्नीशियंस होते हैं अगर वो ना हो तो हम इतना अच्छा ना दिखें एक स्पॉट बॉय का काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइट बॉय का काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो अनसंग हीरोज़ होते हैं रियली कोई उनके बारे में बात नहीं करता कोई उनको यू नो ऐसे इंटरव्यू नहीं करता बट आई थिंक उनके बगैर फिल्म इंडस्ट्री को इमेजिन कर पाना भी या फिल्मों को इमेजिन कर पाना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है मुझे लगता है
मेरे को ये लगता है कि जो भी करेक्ट डिसीजन होगा वो जो बॉडी है यू नो हमारी बॉडी वो मिल के करेगी एंड आई एम श्योर कि उनके जो भी ग्रीवियंसेज हैं दिल बी एड्रेस एंड आई हैव एंड आई एम श्योर दैट यू नो नोबडी लाइक्स टू गो ऑन स्ट्राइक या मीन ऑफ कोर्स एंड बहुत नुकसान होता है इंडस्ट्री का बट आई एम श्योर जो भी उनके ग्रीवियंसेज हैं दे विल बी बहुत जल्द ही उसके बारे में कुछ ना कुछ किया जाएगा कुछ एक्शन लिया जाएगा ऑलरेडी वेल वी बीन वेरी लकी बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में हमारा प्रीमियर हुआ था लंदन फ्रांस ऑस्ट्रेलिया जर्मनी में फिल्म रिलीज हो चुकी है अब इंडिया में रिलीज हो रही है एंड आई एम सो हैप्पी कि इंडिपेंडेंस डे के 3 दिन बाद रिलीज हो रही है आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एक हम लोग स्पेशल स्क्रीनिंग दिल्ली में भी कर रहे हैं अ लॉट ऑफ मिनिस्टर्स अ लॉट ऑफ एमपीज हैव यू नो दे वांट टू सी द फिल्म वी आर वेरी टच टुडे यू नो दैट देयर हैज बीन सो मच appreciation for the film internationally and nationally also. Recently, CBFC chairman, we have seen the presentation. Well, I am just very happy he's there. It's a sign of good times and progressive times. Thank you so much. Ma'am. The visuals ke liye. मैं इधर खड़े हूँ मामा ये बुला बुला जल्दी तू निकाल दिया क्या बाइट मत सॉरी 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 अरे ये बिल्कुल ही पागल इंसान है रे शादाब तू पहले निकालता कहीं के लिए बाहर रेडी अब विजुअल विजुअल वेट 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 लेट टू कंप्लीट द विजुअल पापा जी राइट में समाना जी मैम We can do it. Yeah. Yeah. Good, great.
इट्स लुकिंग नाइस. अभी देखने जा रहे हैं, अभी मैं कुछ क्या बोल क्या बोल रहा हूं. मैम फुकरेट लीजर बहुत काफी पसंद आ रहा है लोगों को और ट्रेंडिंग में चल रहा है पूरे YouTube पे, तो क्या आपके जो एक्टिंग को काफी पसंद किया गया है? थैंक यू. हम दोनों साथ में ही हैं फुकरे में और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी. मैम रिसेंटली द सीबीएफसी न्यू चेयरमैन इज प्रवीण जोशी. व्हाट डू यू वांट टू से रिगार्डिंग दैट? कांग्रेचुलेशंस मिस्टर जोशी एंड कांग्रेचुलेशंस टू विद्या. आई थिंक दे विल डू अ स्वेल जॉब. सो व्हाट रिचा जी, आप इस बात को कितना मानती हैं कि यार टीवी हो या बॉलीवुड हो, एक सक्सेस टीवी शो हो या बॉलीवुड मूवी हो, उसमें हाथ जितना एक्ट्रेस का डायरेक्टर का होता है उतना ही स्पॉट बॉय और कैमरामैन का भी होता है, उतना अप्रिसिएशन उनको भी मिलना चाहिए इस बात. हां ऑफ कोर्स फिल्म मेकिंग थिएटर टीवी एवरीथिंग इज अ टीम वर्क. या इट हैज टू बी, इट हैज टू गो इन सिंक. हाल ही में कितने वो स्ट्राइक में जा चुके हैं और उनको एम्प्लॉय का कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, सैलरी. मुझे नहीं पता था कि स्ट्राइक पे गए हैं. ये हो ही जाएगा पूरी दुनिया में, एक जैसे जैसे लेबर यूनियन होती है वैसे स्कॉट बॉयज की यूनियन होती है, एक्टर्स की यूनियन होती है. आई थिंक दे विल कम अप विद अ सॉल्यूशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नीचे आप दोनों स्टैंड पे विजुअल विजुअल अली अली सर विजुअल ले लो. ये भाई ये अरे व्हाइट नहीं करो व्हाइट नहीं हो रहा है. अभी लगा फ्रॉम योर राइट टू लेफ्ट. थैंक यू सो मच. अरे आओ ना यार, बैठ के बातें करेंगे. अरे ये क्या बात कर रहे हैं, सारे बैठे थे, मैं भी बैठ गया यार. कब? बहुत कम समय रह गया है मूवी रिलीज होने में. आपकी फर्स्ट हॉलीवुड मूवी है जी, तो क्या कहना चाहेंगे मूवी और अपनी बहन की पिक्चर के बारे में? देखिए मैंने तो पिक्चर देख ली है, एक बार देख चुका हूँ और आज दोबारा आया हूँ. इसलिए आया हूँ क्योंकि इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी बहन पिक्चर में है, इसलिए आया क्योंकि मुझे फिल्म अच्छी लगी है. एंड ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी हाउ हुमाज परफॉर्म्ड इन द फिल्म. सो आई एम वेरी एक्साइटेड यार, मतलब मेरी बहन की हॉलीवुड पिक्चर है, मेरी बहन का हॉलीवुड डेब्यू है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. सो लेट्स सी, आई हैव गॉट माय फ्रेंड्स आल्सो टुडे. वी हैव अ बंच ऑफ 10-12 पीपल हु वाचिंग इट टुगेदर. लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द फ्रेटर्निटी आर वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो बस ये चाहते हैं कि सब देखें और अच्छी लगे. मूवी देखने से पहले जब पार्टीशन शब्द सुनने में आता था तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता था और अब क्या आता है यार? मतलब पार्टीशन टू बी रियली ऑनेस्ट यार वाज अ वेरी लाइक यू सेड अ वेरी इमोशनल पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री. एक देश का बंटवारा हो गया था, ऑफकोर्स हमें फ्रीडम भी मिला एंड हम आज़ाद हुए, बट एक कॉस्ट पे मिला. सो आई थिंक जो आप फिल्म में देखोगे इट्स अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द पार्टीशन. तो आप लोग जब फिल्म देखोगे तो आप बताना कि आपको कुछ डिफरेंस फील हुआ या नहीं हुआ. ऑलरेडी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं फिल्म के, क्रिटिक्स ने भी 4-4 स्टार दिए हैं और ऑलरेडी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी गया है. तो आप क्या पर आप मतलब ये तो अच्छी बात है यार, क्रिटिक्स को अच्छी लग रही है, फिल्म फेस्टिवल में जा रही है. सो आई थिंक द थ्री फिल्म्स आर रिलीजिंग इन दिस वीक एंड डू यू थिंक द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाइज? देखिए यार बॉक्स ऑफिस कुछ पिक्चरें होती हैं जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में नहीं सोचती हैं, वो फिल्में होती हैं जो ऑडियंस के लिए होती हैं कि वो देखें और उनको सराहें. एंड नॉट लेट्स नॉट टेंड टू नंबर्स कि वो वीकेंड कितना करेगी या लाइफ टाइम कितना करेगी. ये वो वाली पिक्चर नहीं है, ये एक दिल से बनाई हुई पिक्चर है. सो आई थिंक हम इसको वैसे देखेंगे तो बेटर रहेगा. एंड आपने कहा कि दो फिल्में और रिलीज़ हो रही हैं उसके साथ, तो अच्छी बात है यार. एंड दोनों बहुत अच्छी फिल्में लग रही हैं,
There's Bareilly ki Barfi releasing and one more film, no? You said? Bareilly Barfi, VIP2. VIP2. Arre, that's apna Dhanush and Kajol ma'am's film. Kajol so, ma'am. I wish all of them best of luck, yaar. Sabki picture chale. और जब तक पिछड़े चलेंगे नहीं तब तक हम सबको काम नहीं मिलेगा तो सबको काम जैसे आपने कहा बस जाने तो दो पिक्चर निकल जाएगी मेरी बहन की लास्ट क्वेश्चन रिसेंटली द सीन तो लास्ट क्वेश्चन है जैसे अभी आपने कहा कि 70 साल हो चुके हैं फ्रीडम मैंने नहीं कहा ये तो आपने कहा है अच्छा जैसे कि है ना तो आप लेकिन अभी भी बॉलीवुड फिल्मों को फ्रीडम नहीं मिला है अपनी मूवी अपने तरीके से मूवी बनाने का फॉर द सीबीएफसी बट नाउ द सीबीएफसी कुछ तो अब एक way of light आई है कहीं से so I think we should let the new chairman take yeah. over and let's see how things are after that. Okay. So अभी क्या कहना अब तो एक way of light आई है देखते हैं आगे क्या होता है. Thank you so much guys. Thank you. Sir, sir, stand here for the visuals. Hello, 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 hello. Oh my, Baba, Baba से दीदी से बाइक ले. A lot. The trailer was amazing, so I think the performances in the film are going to be exceptional, and so I'm looking forward to the movie. Okay, so any upcoming projects are coming? Yeah, I'm doing this movie Sonu Ke Titu Ki Sweetie, which is with the director of Pyar Ka Panchnama, Lavranjan sir, and so I'm again collaborating with the same team of Panchnama, and end of this year, most probably the film is going to release, and uska already title announcement video aap logon ne dekha hoga. So wahi film hai. Comedy hai, drama hai, so let's see how it goes. So in this week, the big three films is releasing Partition, VIP 2 and Bareilly Barfi 2. So what, do you think it will affect the box office collection because of the three film clashes in the one time? Yeah, I think bahut sare clashes abhi to Fridays kam reh gaye hain hamari film mein bahut zyada hai. So clashes to hone hi hai and but अच्छी बात यह है कि हर किसी का जॉनर अलग है तो ऑडियंस अलग होगी और फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन होते हैं तीनों दिन अलग अलग फिल्में देखने का मौका सबको मिलेगा फिल्में अच्छी हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस भी अच्छे होंगे एंड इस साल थोड़ा सा और बड़े कलेक्शंस आ जाएं अभी यू नो सो वी आर एक्सपेक्टिंग a lot from these films and let's see how it goes so, and recently yeah. the CBFC new chairman is President Joshi do you think now Bollywood will not face such kind before freedom from all cuts देखिए वो तो आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा बट आई एम श्योर कि जो भी डिसीजंस हुए हैं वो काफ़ी सोच समझ के हुए हैं सो हम लोग को इन द इंडस्ट्री हम लोग को वेलकमिंग रहना चाहिए एंड आई थिंक वी आर रियली हैप्पी विद द विद व्हाटएवर इज हैपनिंग एंड आई थिंक फ्रीडम मिलेगा काफ़ी फिल्मों के जो कट्स बहुत ज़्यादा जो हो रहे थे आई थिंक लोगों को लग रहा है कि कम होगा इस बार एंड होपफुली इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडस्ट्री Thank you so much. Thank you.